अगर समाचार में बात करिए तो हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे। तो महत्वनुं कही शकाय के 5 दिवस गुजरात में छूटोछवायो वरसाद रहेशे। रथयात्रा दरमियान अमदावाद में अमीट छाटना थई शके तेवी पण आगाही करवामां आवी। अमदावाद में छूटोछवायो वरसाद नी आगाही करवामां आवी। भेजना कारणे वरसादी माहौल रहेशे। दक्षिण अने उत्तर गुजरात में वरसाद रहेशे तो तापी डांग भरूच सूरत वडोदरा में पण वरसादनी आगाही करवामां आवी। अमदावाद खाते छूटोछवायो वरसाद रही सके छे। वरसादने लईने कोई सिस्टम सक्रिय नथी थई तो 1 થી 2 ડિગ્રી તાપમાનમાં પણ વધુ થઈ શકશે। તો હાલ અમદાવાદમાં 35 ડિગ્રી તાપમાન છે। ગુજરાતમાં હજુ ચોમાસા માટે રાહ જોવી પડશે તેવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી। અમદાવાદમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે અમદાવાદમાં છૂટોછવાયો વરસાદ રહેશે। 5 દિવસ ગુજરાતમાં છૂટોછવાયો વરસાદ રહેશે। રથયાત્રા દરમિયાન અમદાવાદમાં અમીટ છાંટના થઈ શકે છે તો દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદ રહેશે। अभी तो फिलहाल बारिश मोस्टली विंड फेवर कर रहा है, लेकिन कोई सिस्टम गुजरात में अच्छा बना नहीं है और मानसून भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। मानसून अभी भी साउथ इंडिया में चल रहा है और कंडीशंस फेवर हो रहा है फर्दर प्रोग्रेस के लिए, लेकिन गुजरात आने के लिए टाइम लगे।